आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, DSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, तो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSB की 2018 की एक वैकेंसी आई थी। अगर आप लोगों ने भी अप्लाई किया है तो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वैकेंसी 2018 में जुलाई अगस्त के समय ही इसके फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, तो उस वैकेंसी के जो परीक्षा तिथि है वो जारी की जा चुकी है। ऑफिशियली रूप से DSSB ने यहाँ पर एग्जाम डेट रिलीज कर दी है, और LDC स्टेनोग्राफ, ग्राफर, स्टाफ नर्स और भी बहुत सारे पद थे जिसमें NMs के पद भी शामिल थे। तो तमाम जो एग्जाम डेट हैं वो यहाँ पर DSSB ने जारी कर दी है। आगे वीडियो में जानेंगे आप कौन से डेट को कौन सा एग्जाम है और कब तक ये एग्जाम होने वाले हैं, एडमिट कार्ड कब तक आएंगी, वो संपूर्ण जानकारी। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं 19/7/2019, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ NCERT दिल्ली, और ये 2018 का रिक्रूटमेंट था। और इसकी एग्जाम डेट यहाँ पर देखिए 17 अगस्त से स्टार्ट होंगे और लास्ट एग्जाम होगा 30 अगस्त को। ठीक है, 17 से लेके 30 अगस्त तक ये आपकी एग्जाम होने वाली हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता देते हैं 17 अगस्त को कौन कौन से एग्जाम होगा। तो 17 अगस्त को LDC और जूनियर लैब असिस्टेंट का, ठीक है, फिर 18 को आपका LDC होगा, उसके बाद आपका जो LDC है 23 को होगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए संडे 25 को, तो 25 को आपकी ये 4 एग्जाम होने हैं, टेक्निक असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर और टेक्निकल असिस्टेंट OT LDC का भी है और आपका लीगल असिस्टेंट का भी है। इसके अलावा 26 तारीख को कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे, तो लैब टेक्नीशियन ग्रेड 3 का होगा, साइंटिफिक असिस्टेंट और LDC। इसके अलावा 27 तारीख में कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे 27 अगस्त को, तो 27 अगस्त को आपको होगा असिस्टेंट OT नर्सिंग ऑफिसर यानी स्टाफ नर्स का। इसके अलावा सोशल वर्कर का आपका एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का एग्जाम आपका होगा 27 अगस्त को। 28 अगस्त को आपका होगा नर्सिंग ऑफिसर यानी कि स्टाफ नर्स। ठीक है, अगली यहाँ पर डेट देख सकते हैं, 28 को ही आपका होगा डेंटल हाइजीनिस्ट का। ठीक है, 29 अगस्त को आपके एग्जाम होगा नर्सिंग ऑफिसर का। ठीक है, और आपका देखिए 30 तारीख में कौन सा एग्जाम होगा, नर्सिंग ऑफिसर लैब असिस्टेंट ग्रेड 4 एक्जिलरी नर्स मिडवाइफ यानी कि ANM। ठीक है, तो ये ANM का आपका होगा 30 तारीख को, और रेडियोग्राफर का भी होगा 30 तारीख को। जहाँ जहाँ ये कॉलम है उन उन डेट को ये एग्ज़ाम होने हैं। तो मेनली अगर हम बात करें स्टाफ नर्स की, तो स्टाफ नर्स के आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे यहाँ पर 27, 28, 29 और 30, 4 डेट में। ठीक है, तो ये 4 डेट में आपके एग्ज़ाम होंगे यहाँ पर स्टाफ नर्स के। इसके अलावा ANM का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर 30 तारीख को होगा, 30 अगस्त को। तो ये है आपका जो DSSB के तमाम जो मेडिकल स्टाफ और इसके अलावा स्टेनोग्राफर LDC असिस्टेंट वगैरह की जो भी वैकेंसी थी, इनकी एग्ज़ाम डेट। तो ये दोस्तों बड़ी अच्छी न्यूज है, यहाँ पर तकरीबन एक साल के बाद यहाँ पर DSSB ने एग्ज़ाम डेट रिलीज की हैं। 17 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और 30 अगस्त तक ये एग्ज़ाम चलने वाली हैं। स्टाफ नर्स 4 डेट में, ANM अंतिम डेट को 30 अगस्त को होगा। तो जिन जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था अपने फॉर्म को निकाल लीजिएगा और तैयार रखिएगा। और कॉल लेटर के बारे में भी बता दूँ दोस्तों, 17 अगस्त से एग्ज़ाम है तो आपके अगस्त के फर्स्ट वीक में, ठीक है, आपके कॉल आ जाएंगे, एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है, वेबसाइट पर। तो दोस्तों ये बड़ी जानकारी थी, अगर आपके आसपास भी कोई DSSB के अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था तो उन तक ये वीडियो बहुत पहुंचाने का कष्ट करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं PDF फाइल जो आपकी एग्जाम डेट्स उनकी दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन से आप एग्जाम डेट देख सकते हैं आसानी से, और मैंने आप लोगों को बता भी दिया है। दोस्तों फिलहाल के लिए इस बड़ी न्यूज में इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।